नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूँ, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आज हम जिस स्टॉक की बात करने जा रहे हैं वो है एलटी फूड लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करें तो कंपनी काफी तेजी के साथ ग्रो कर रहा था। आप देखेंगे इसका 52 वीक जो लो था वो था 44.40 रुपए, जबकि इसने अपना हाई बनाया 90.50 रुपए। दोनों के गैप की बात करें तो आप देखेंगे काफी अच्छा खासा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन यह कंपनी आज क्लोज हुआ है आप देखेंगे 76.05 रुपए पे। तो जो लोग इस शेयर को ऑलरेडी हाई लेवल पे बाई कर रखे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, और जो लोग बाई करने की सोच रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, कंप्लीट डिटेल की बात करेंगे वीडियो में। लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस न करें। आप देखेंगे आज इसमें डिलीवरी जो उठाई गई है वो 43% से ज्यादा की डिलीवरी उठाई गई है, जबकि अगर क्वांटिटी की बात करें तो आप देखेंगे 17 लाख से ज्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। तो देख लेते हैं इस कंपनी का और डिटेल। दोस्तों अगर इस कंपनी के और डिटेल की बात करें तो आप देखेंगे इसमें एक वैल्यू बाइंग की भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगा। यह शेयर अपने इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे चल रहा है। कंपनी के रिटर्न की बात करें तो एफडी से काफी अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि कंपनी डिविडेंड थोड़ा कम देती है, इसलिए डिविडेंड का कोई आपको खास मौका नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इस कंपनी के बात करें तो यह कंपनी ओवरबॉट जोन के काफी ज्यादा नीचे है और कोई भी रेड फ्लैग एक्टिव नहीं है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो अगर इस कंपनी के चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे पिछले काफी टाइम से यह कंपनी एक रेंज के अंदर ही काम कर रहा है। जब भी यह नीचे जाता है तो सपोर्ट लेता है, अगेन बाउंस बैक करता है, ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर से नीचे आ जाता है। काफी टाइम तक यह कंपनी उसी रेंज में काम कर रहा है। तो ऐसे में अगर इस कंपनी में कोई बड़ा आपको ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन की आप सोच रहे हैं तो ये लेवल्स तोड़ना इस कंपनी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। के डाउन साइड के लेवल्स की बात करें तो आप देखेंगे 72 रुपए का लेवल जो कि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है इस कंपनी के लिए। अगर यह लेवल टूटता है तो फिर यह कंपनी उसके नीचे जाएगा, और नीचे कहां तक जा सकता है, 60 रुपए 58 रुपए तक यह कंपनी उसके बाद जा सकता है। लेकिन अगर यह कंपनी ऊपर निकलता है तो फिर कहां तक जा सकता है, तो दोस्तों उसका जो लेवल बनता है 83.50 रुपए का। अगर कंपनी उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर इस कंपनी में एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा और कंपनी उसके बाद 90 रुपए का पहला लेवल टच करेगा, और 90 रुपए का अगर लेवल क्रॉस करके उसके ऊपर निकलता है तो फिर 110 रुपए तक का टारगेट आपको इस कंपनी में देखने को मिलेगा। जब भी आप किसी स्टॉक को बाई करते हैं, अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए आपने किसी स्टॉक को कम से कम 1 साल रखने की सोची, उसके बीच में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 4 बार उसका रिजल्ट शो होता है। मान लीजिए पहला रिजल्ट काफी अच्छा आया, दूसरा रिजल्ट कुछ खास नहीं था यानी कि थोड़ा सा नेगेटिव आपको देखने को मिला, तीसरा रिजल्ट भी काफी ज्यादा नेगेटिव था, चौथा रिजल्ट भी काफी अच्छा आया, तो फिर ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि जब जब रिजल्ट नेगेटिव आएगा तब तक उस कंपनी में आपको गिरावट देखने को मिलेगा। तो क्या आपको पैनिक करके निकल जाना चाहिए, यानी कि आपने सोच रखा है कि 1 साल आप होल्ड करेंगे, क्या आप 3 महीने के बाद ही उस शेयर से निकल जाएंगे, 6 महीने के बाद उस शेयर से निकल जाएंगे? ख्याल से आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए सोच रखा है, अगर उस कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, क्योंकि जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर बाई करते हैं तो फंडामेंटल देख के बाई करते हैं, तो अगर फंडामेंटल जब तक कोई कंपनी का नहीं खराब होता तब तक आपको क्वार्टरली रिजल्ट पे नहीं बेचना चाहिए। आप उसका ईयरली रिजल्ट देख सकते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल का रिजल्ट देख सकते हैं, उसके बाद डिसीजन ले लिए। अब बीच बीच में अगर इसमें क्वार्टर रिजल्ट आता है तो आपको बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट में आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों देखने को मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत क्वार्टर रिजल्ट देखकर निकल जाएं, इस बात का जरूर ध्यान रखें। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया तो आप अपना स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप निकल जाइए, अगर स्टॉप लॉस नहीं हिट होता तो आप बने रह सकते हैं। इस हिसाब से आप आगे की अपनी रणनीति अपना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।